हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 15 अगस्त से एक सोशियोलॉजी का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसी रेस्पेक्ट में हम कुछ डेमो वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं। पहला डेमो वीडियो जो था वो कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर बेस्ड था। इसको पढ़ने के बाद हमें अंदाजा लग गया कि हाँ, पेपर वन में कुछ इस हिसाब से बातें चलेंगी। इसीलिए आज पेपर टू का एक टॉपिक मैंने उठाया है। पेपर टू में एक चैप्टर है कास्ट सिस्टम के बेसिस पर। अब कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं, अपनी अपनी थ्योरीज प्रोपाउंड की है, लेकिन इसमें एक सिंगल पर्सपेक्टिव को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जीएस घूरे के हिसाब से। इनको हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। पेपर टू में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि जीएस घूरे ने अपने अपने डायमेंशन में प्रोपाउंड की है, तो इनका क्या पर्सपेक्टिव है कास्ट सिस्टम को लेकर, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का मेन मोटिव ये था मेरा कि बहुत सारे लोग थे वो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी में उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि सोशियोलॉजी इजी है या डिफिकल्ट है। इसके लिए हम एक ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं। पेपर टू में बेसिकली ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कास्ट सिस्टम जैसे ही होंगे जो कि हमें ऑलरेडी पता होंगे। कास्ट सिस्टम भी हमें पता है कि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में जिसमें हम पले बड़े हैं कि कास्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं उसके, लेकिन उसको सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ सकते हैं, जो अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने बेसिस रखे हैं इस कास्ट सिस्टम को लेके, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी ऐसे ही पता होगा, तो उसको एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कैसे अलाइन करना है उसको हम देखेंगे। इसके अलावा आपको आइडिया मिल जाएगा पेपर वन और पेपर टू अपने सोशियोलॉजी वाले इस नए कोर्स में कैसे चलेगा, कैसे डिस्कस होगा। लास्ट में वीडियो में मैंने कुछ आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये डिक्शनरी है, इसमें आप कुछ वर्ड और उनके मीनिंग्स देख सकते हैं। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो एक बार स्लाइड पॉज करके अच्छी तरीके से देख लें, ताकि आगे आने वाले इन इंग्लिश के वर्ड्स को जो भी मैं यूज करूं उसका हिंदी में उनको मतलब ऑलरेडी पता हो। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मिनिमम लेवल से स्टार्ट करते हैं, कास्ट क्या होता है। सबसे बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप कास्ट को हमेशा एक स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम समझिए। अब ये स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो स्ट्रेटिफिकेशन होता है और दूसरा हायरार्की होता है। अब इसमें आपको समझने की बात यह है कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है सोसाइटी में किसी भी एंगल में हो सकता है, जैसे कि वर्टिकल सेक्शन में भी स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में भी स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है। तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है पूरे सोसाइटी को। तो कास्ट एक ऐसा फॉर्म है जो कि पूरे सोसाइटी को ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इसी को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है ये बेसिकली पूरे सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक ऐसी सोसाइटी जहां पर जो भी उनके वैल्यूज हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, ये सब के सब एस्क्राइब्ड होते हैं, और दूसरा ऐसा जहां पर वो अचीव्ड होते हैं। मतलब कि कुछ जगह बिल्कुल रिजिड होगा कि आप एक बार उस कास्ट में पैदा हो गए तो आप अपने ऑक्यूपेशन को या फिर अपने कास्ट को चेंज नहीं कर सकते, आपको जन्म से ही वो सारी चीजें मिली हुई हैं। तो मतलब क्या है इसका, ये एस्क्राइब्ड हो गया, ठीक है। आपने इसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं किया, बस आपको यूं ही पैदा होने के बाद मिल गई। कुछ होती हैं अचीव्ड, जिसको हम लोग हासिल करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हमारे पास आए, तो ये सारी चीजें क्या है, अचीव्ड है, हमने पाया है। ऐसा नहीं कि हम पैदा हुए तो हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं अचीव्ड और एस्क्राइब्ड में। हमारी पूरी सोसाइटी कास्ट के बेसिस पे या तो अचीव्ड कुछ हो सकती है या फिर कुछ एस्क्राइब्ड हो सकती है, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती है। लेकिन अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक पॉपुलर टर्म है इस कास्ट को, जिसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं उसको हम लोग जाति वर्ड का यूज देते हैं। अब इस वर्ड में क्या होता है कि ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका ओरिजिन जन से है, और बेसिकली ये देखा गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ एस्क्रिप्शन पर ही बेस्ड है। यहां पर अचीव्ड स्टेटस ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ब्राह्मीण के घर में पैदा होते हैं तो आप ब्राह्मीण होंगे, अगर आप क्षत्रिय के घर में पैदा होते हैं तो क्षत्रिय होंगे, वैश्य के घर में पैदा होते हैं तो वैश्यास में अंदर आएंगे, और शूद्रास फैमिलीज में अगर बॉर्न होते हैं तो आप शूद्रास कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल रिजिड है, क्लोज कंपार्टमेंट है इनका। बात करिए कास्ट ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, तो हम बहुत पहले हिस्टोरिकली ये बात देख सकते हैं कि बहुत सालों पहले की भी बात अगर करें तो वहां पर भी लगभग 3000 कास्ट और सब कास्ट इंडिया में पहले से ही प्रेजेंट थे। लेकिन आज के फॉर्म में अगर इनको कंपेयर करके बात करें हम तो थोड़े डिफरेंट भी थे, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान ब्राह्मीण फैमिली में अगर बॉर्न होता है तो वो ब्राह्मीण ही कहलाएगा, वो कभी भी क्षत्रिय वैश्यास या शूद्र में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि ये क्लोज्ड इंड में कास्ट सिस्टम आज के टाइम में डिफाइन होता है। लेकिन पहला ऐसा नहीं था, ये क्लोज्ड ग्रुप नहीं होता था,
ये बेसिकली इस बात पे डिपेंड होता था कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो आप एक ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आप वॉरियरशिप का काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, अपने देश को बचाते हैं, तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप वैश्यास कहलाएंगे, और अगर आप कोई भी मीनियल वर्क कर रहे हैं तो इसके लिए आप शूद्रास कहलाएंगे। तो ऑन द बेसिस कि क्या लोग काम करते हैं, वहां पर कास्ट डिफाइन होता था। एक ही फैमिली में हो सकता है कि पति पत्नी और बच्चों में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्यास है। यहाँ पे एक और बात थी कि पुराने जमाने में हम देखते थे कि विमेन के पास भी राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन अगर प्री इंडिपेंडेंस टाइम तक हम देखें तो ये प्रॉपर्टी, ये जो राइट मिलती थी इन प्रॉपर्टीज के ऊपर विमेन के लिए, ये नहीं था। ये बाद में जब एक्ट पास होता है तो उसके बाद इन एक्ट के बेसिस पे विमेन को ये वाला राइट भी मिलता है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि पुराने और आज के टाइम पर हम देखते हैं। तो हमने अभी तक जो भी बात की, आप समझ सकते हो कि ये वैदिक पीरियड की बात है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये चीजें रिजिड होना स्टार्ट होती है। मतलब जो हमारा पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम था एज एन इंस्टीट्यूशन, वो रिजिड होता गया। बेसिकली इस बात को हम डिराइव कर पाते हैं पुरुषोक्त हिम से। ये ऋग्वेदा का एक पार्ट है। इस हिम में ये लिखा गया है कि जो कास्ट का ओरिजिन है, ये डिफरेंट वर्णास के बेसिस पर हम देख सकते हैं, और इसका बेसिस बताया गया कि एक ब्रह्मा है, और ये ब्रह्मा प्रोजेनिटर है। प्रोजेनिटर मतलब कि जो इन सभी वर्णास की उत्पत्ति का स्रोत है, तो उनकी वजह से ये प्रोजेनिटर ब्रह्मा के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिनको हम अलग अलग वर्णास के नाम से जानते हैं। अब इन वर्णा सिस्टम को आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। हिंदू फिलोसफी के अकॉर्डिंग हम रिलीजन, कस्टम और ट्रेडिशन के बेसिस पर कास्ट को डिफाइन करते हैं, और उसी के बेसिस पर ये क्लोजली कन्फाइंड हो चुके हैं। आज के टाइम पर हम वर्ण का जो मतलब है वो संस्कृत वर्ड से डिराइव करते हैं, जिसका मतलब होता है कलर, रंग। मतलब जो वर्ण है ये कहीं ना कहीं हमें रंग से डिफाइन कर सकता है। अब ये रंग के बेसिस पर हम देखते हैं कि ये चतुर्वर्ण सिस्टम है, वो हमारे इंडियन फिलोसफी का एक पार्ट है, इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट है। यहीं से हमारे पूरे कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हम ट्रेस कर सकते हैं। इसके बेसिस पर जो भी एक हिंदू सोसाइटी है वो इस बेसिस पर डिवाइडेड है कि ये जो वर्णास की बात की थी, ये ब्रह्म के कौन कौन से अंग से निकले हुए हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर आप हेड से निकले हो, मस्तिष्क से निकले हो, तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, और आपका बेसिक काम प्रीस्ट या फिर टीचर्स के बेसिस पर हो पाएगा। दूसरा, जो क्षत्रियास हैं वो लड़ाई करते हैं, वॉरियर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, ये भुजाओं से निकलते हैं, मतलब आर्म्स ऑफ द प्रोजेनिटर ब्रह्मा। और जो वैश्यास होते हैं, ये फार्मर्स हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, मर्चेंट्स हो सकते हैं, ये ब्रह्मा के थाइज या जांग से निकलते हैं। और साथ ही साथ जो शूद्रास होते हैं वो लेबरर्स होते हैं, और ये ब्रह्मा के फीट से निकलते हैं। तो ये इस बेसिस पर क्लासिफाई हुआ, और इसीलिए हेड टू टो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो यहां पर स्ट्रेटिफिकेशन तो देखने को मिला ही, लेकिन साथ ही साथ हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, हायरार्की। हमने एक बात की थी स्ट्रेटिफिकेशन की, तो हमने देखा कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बेसिकली सोसाइटी को कंपार्टमेंटलाइज करता है, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। लेकिन अगर इसी कंपार्टमेंट में हमने एक टॉप पोजीशन और एक लोअर पोजीशन को सिग्निफाई कर दिया, या फिर हमने डिनोट कर दिया कि भाई ये वाला जो पोजीशन है ये टॉप का होगा और ये वाला जो है ये डाउनग्रेडेड पोजीशन होगी, तो इसको हम लोग हायरार्की बोलते हैं। अब ये स्ट्रेटिफिकेशन अगर हम वर्टिकल सेक्शन में देखें और यहां पर हम चार पार्ट डिवाइड कर दें, बोले कि ये जो ब्राह्मीन्स होते हैं ये सबसे टॉप पे रहेंगे और जो शूद्रास हैं वो सबसे नीचे रहेंगे, तो ये हायरार्की बनता है। इस वाले फॉर्म को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन ऐसा भी हो सकता है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हायरार्की जो है उसमें एक कोई ऐसा इंसान होगा जो कि टॉप की पोजीशन पाता है और एक ऐसा इंसान होगा जो सबसे नीचे की पोजीशन पाता है। तो ये चतुर्वर्ण सिस्टम जो है ये बेसिकली हायरार्की को डिनोट करता है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो ऐसा था नहीं। बहुत पहले जब वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे थे तो वहां पर केवल और केवल तीन वर्णास ही थे, और इन वर्णास को हम ब्रह्म, क्षत और विषि, इन तीन नाम से जानते थे। शूद्र का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन बाद में हमने देखा कि जब पुरुषोक्त हिम में हमने देखा ना कि चार वर्णा का जिक्र किया गया है, तो वहां से फिर शूद्र ओरिजिनेट होते हैं। मतलब कि जो ये शूद्र वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत बाद में आया है, ठीक है, तो ये शुरुआत में था नहीं। और ये जो भी पूरा हम वैदिक लिटरेचर के बेसिस पर हम इस कास्ट को डिफाइन कर रहे हैं, इसको हायरार्की में दे रहे हैं या फिर हम स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा लेबर और ऑक्यूपेशन के बेसिस पर ही डिवीजन पे बेस्ड था। एक और नोशन आता है हमारे इसी कास्ट सिस्टम में, जिसको हम लोग द्विजा बोलते हैं। तो द्विजा का मतलब ये है कि जो भी लोग ऐसे पैदा होते हैं
तो हम ऐसा पहले से ही मान के चलते हैं कि जो भी इंसान इस धरती पर पैदा होगा वो शूद्र पैदा होता है। ये द्विजा का कॉन्सेप्ट है, वो शूद्र पैदा होता है और उसको अपने कास्ट में इनरोल करने के लिए एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक, तो द्विजा का ये जो नोशन है ये वर्ण व्यवस्था के अंदर डेवलप किया गया। इसमें क्या था कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और विसी, या फिर हम जो बात कर रहे थे ब्रह्म क्षत और विसी का, इन तीनों के पास ये द्विजा वाला कॉन्सेप्ट पहले से ही प्रेजेंट था। आप यहां पर देख सकते हो द्विजा मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्वाइस बॉर्न। एक बार जब बॉर्न होते हैं तो वो शूद्रा के रूप में होते हैं और उसके बाद कुछ और होता है जिसकी वजह से वो ट्वाइस बॉर्न होते हैं, मतलब दोबारा पैदा होते हैं और फिर जाके उनको ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्या वाले श्रेणी में रखा जाता है। तो जो भी लोकल इनहेबिटेंट्स थे उन्होंने ये समझा कि ये जो शूद्र हैं, ये जो नोशन है ये शुरुआत में था नहीं, और ये जब आर्यन की सोसाइटी हमारे इंडिया में इनका जब इन्फ्लक्स हुआ तब जाके ये चौथा कैटेगरी शूद्रास का बन गया। ठीक, और शूद्रास जो होते हैं ये द्विजास होते हैं या फिर स्लेव्स जिनका नाम देते हैं। एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो भी आर्यंस थे वो एक हायर रेस से बिलोंग करते थे। रेस मतलब यहाँ पे कलर से है, वर्ण से है। अब यहां पर क्या है कि ये बहुत गोरे कलर के थे या फिर जिनको हम लोग व्हाइट पीपल बोलते हैं। ये लोग क्या करते थे, जब यहां पर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर आए ये लोग, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग रह रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, और यहां का आपको पता है कि इंडियन सिस्टम में, इंडियन कल्चर में जो वर्ण है, जो रंग है, ये श्याम कलर है, मतलब कि ये थोड़ा सांवला है, मतलब इतना गोरा कलर नहीं है। हालांकि बाद में इंटरमिंगलिंग इनका हो गया मैरिजेस के थ्रू और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ कि जितने भी ऐसे श्याम रंग के लोग जो होते थे उनको स्लेव बना दिया गया और इन्हीं स्लेव्स को शूद्रा का नाम दे दिया गया। जितने भी आर्यन आए थे बाद में जब इनका क्लासिफिकेशन इन तीन अलग अलग कैटेगरीज में किया गया तो वापस से एक नई हायरार्की डिपेंडेंट हुई। और ये क्षत्रिय वैश्य ये बोलते हैं कि बेसिकली अगर ये लोग ब्राह्मण के तौर पर आए थे तो इंटरमिंगलिंग होने से कुछ और नए कास्ट बने और इसके बेसिस पर ये पूरा डिफाइन हो गया। तो ये जो फोर फोल्ड डिवीजन हम देख रहे हैं जिसको हम लोग चतुर्वर्ण सिस्टम बोलते हैं, यहां पर इस फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ ब्राह्मणिज्म में ये जो ऊपर के तीन कास्ट हैं ये बेसिकली द्विजा होते हैं और जो लास्ट वाला है वो स्लेव्स या फिर शूद्र होते हैं। हम बात कर रहे थे जो शूद्रास थे वो बेसिकली क्या करते थे, वो स्लेव्स थे। अब वो मीनियल सर्विस ही प्रोवाइड करते थे अपने ऊपर के तीन वर्णास को, इसीलिए इनको बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर दिया गया और द्विजा का सिस्टम इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता था। द्विजा में आपको द्विजा अगर बनना है तो आपको क्या करना है, एक उपनयन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना है। उपनयन सेरेमनी आप सभी ने देखा होगा, बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो भी बच्चे होते हैं उनको जनेऊ धारण किया जाता है, तो जनेऊ पहनाने का ये जो पूरा कार्यक्रम है उसको उपनयन सेरेमनी बोलते हैं। इसी उपनयन सेरेमनी में ये बोला जाता है कि ये जो इंसान है ये दोबारा से पैदा हुआ है और अब जाके जो भी हमने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य जो भी जिसकी फैमिली है उस फैमिली में अब ये ट्वाइस बॉर्न हो गया, दोबारा बॉर्न हो गया, अब ये हमारे कुल का हो गया। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है द्विजा का हमारे कास्ट सिस्टम के अंदर। अब हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी जीएस गुरे साहब को। बेसिकली ये 12 दिसंबर 1893 से 28 दिसंबर 1983 तक इनका जीवन काल रहा है, लगभग लगभग 90 साल तक ये जिंदा रहे हैं, काफी लंबी उम्र रही है। इसी के चलते इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत बड़े लेवल पर दिया है। इनको अपॉइंट कर लिया गया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1924 में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ये, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ये। इसके बाद इनको ये भी माना जाता है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के रियल फाउंडर थे। हालांकि रियल फाउंडर का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ही इस पूरी बिल्डिंग को बनाया होगा, इस बिल्डिंग को ऑलरेडी किसी ने बना लिया था, लेकिन ये अपने बहुत ही हम बोल सकते हैं अपने गिरने की कगार पर था। लेकिन जब ये आते हैं जीएस गोरे साहब तो इन्होंने इस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी को वापस से सही कराया और प्लस जो अपने थ्योरीज थी जब यहां पर इन लोगों ने इन्होंने इनरोल करना स्टार्ट किया तब इस यूनिवर्सिटी का फिर से नाम आगे आ गया। तो इसीलिए इनको रियल फाउंडर बोलते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी का। और यहां पर इन्होंने अपनी सोशियोलॉजी की स्टडी से इस पूरी यूनिवर्सिटी को शेप दिया, वापस से नए शेप में इसको ढालने की कोशिश की। इनको इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का फाउंडर भी मानते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे न्यूज लेटर, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन और इस डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे ये सारी बहुत सारी चीजें यहां पर की, एक सोसाइटी का निर्माण किया। इनके अलावा इन्होंने बॉम्बे एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी को भी हेड करने का काम किया कुछ सालों तक। मतलब ओवरऑल जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा रहा है। मैंने बताया कि इतने लंबे जीवन काल में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इसके बारे में भी हम जिक्र भी करेंगे। इंडियन साधुस, इंडियन साधुस के अंदर एक बात होती है जो कि ब्रिटिशर्स अगर इंडिया के कल्चर को पोर्ट्रे करना चाहते तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई जो इंडियन साधुज हैं वो बहुत ही मीन किस्म के लोग थे या फिर वो लालची किस्म के लोग थे और अपने
वर्चस्व को हासिल करने के लिए वो कोई भी काम करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी किताब इंडियन साधुज में ये बात बिल्कुल साफ तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए इन्होंने। इन्होंने बोला कि देखो बहुत सारे साधुज थे, जैसे कि दादीची की बात कर लें तो दादीची का क्या कहना था, जब भी एक वृत्रासुर नाम का एक राक्षस उसको ना मरने का वरदान प्राप्त था तो कोई भी अस्त्र या शस्त्र से हम लोग उसको मार नहीं सकते थे। तो ये बात हुआ कि दधीचि को अपनी हड्डियां बलिदान देनी पड़ेंगी, जिसके वजह से वह ये अस्त्र बनाए जाएंगे और उससे फिर ये वृत्रासुर का ये राक्षस जो है इसका संहार हो सकता है। तो ऐसे ये लोग अपने बलिदान भी देते थे, ऐसे साधु जो थे। तो इसीलिए इंडियन साधु को मीन बताना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल के साथ इन्होंने अपनी इस बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम, फैमिली एंड किनशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर, सोशल टेंशन इन इंडिया, ऐसे नाम से और भी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम हैं। इसके बाद इंडोलॉजिकल अप्रोच की हम बात करें कि बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, या फिर हम यूं कहें कि जो जीएस घूरे हैं इनका पूरा का पूरा अप्रोच इंडोलॉजिकल पे ही डिपेंडेंट है, इंडोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो इस स्टडीज के अंदर हम लोग बेसिकली दो टाइप्स को पढ़ते हैं, एक तो इंडोलॉजिकल अप्रोच के अंदर ही इंडोलॉजी है, या फिर हम इसको इंडिक स्टडी भी बोलते हैं, और दूसरा है ओरिएंटल स्टडीज या ओरिएंटलिज्म। ये जो दोनों ही हैं, इन दोनों के बीच में हम बहुत सारे कॉमनैलिटीज को भी देख सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस को भी देख सकते हैं। तो इसका जो बेसिकली ओरिजिन है इंडोलॉजी का, ये इस बेसिस पर ओरिजिनेट हुआ कि जितने भी वेस्टर्नर्स थे ये मेहनत करते थे कि भाई जो इंडिया के पास विजडम है और उनका इंडियन कल्चर की तरफ जो प्यार है उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, इंडियन कल्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए उन्होंने बोला कि हम अगर वेस्टर्न फिलोसफी को अप्लाई करके इंडियन कल्चर को पढ़ेंगे तो हम इंडियन कल्चर को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमको कुछ और करने की जरूरत है, मतलब कि इंडियन कल्चर को इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की जरूरत है। तो इसीलिए यहां पर इंडोलॉजी वर्ड आता है और यहां पर इंडिया के कल्चर की शुरुआत एक नए सिरे से होती है। दूसरी तरफ अगर हम लोग ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं तो ये हमने अभी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात किया, मतलब कि इसमें ओरिएंटलिज्म और इंडिक दोनों आ जाएंगे। अब स्पेसिफिकली अगर ओरिएंटलिस्ट की बात करें तो ये बेसिकली इस वे में ओरिजिनेट होता है, ये जो फिलोसफी है इंडियन कल्चर के लिए, कि जो भी ब्रिटिश एम्पायर थे उनकी एक जरूरत पड़ी कि अगर हम इंडियन कल्चर को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो हम इन पे रूल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको इनके कल्चर को समझना होगा इन्हीं की लैंग्वेज में, फिर हम उसको डाउनग्रेड करेंगे, इनको बताएंगे कि ये कल्चर सही नहीं है और हमारा वाला कल्चर सही है और इसके बेसिस पर हम डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये ओरिएंटलिज्म का काम था। वो क्या करते थे, इंडोलॉजी के विपरीत जाके ये इंडियन कल्चर को थोड़ा सा डाउनग्रेड करते थे, उसको ह्यूमिलिएट करते थे और उसके बेसिस पर ये अपने थ्योरीज प्रोपाउंड करते थे। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट इंडोलॉजी में जो इंडिक स्टडी था वो बेसिकली इंडियन सोसाइटी और कल्चर के लिए सिंपथेटिक और पॉजिटिव अकाउंट पेश करता था। अगर हम बात करें, ये दोनों ही ऐसे लोग थे जो कि इंडियन कल्चर को बढ़ा के प्रेजेंट करना चाहते थे, मतलब एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करना चाहते थे। अगर हम लोग ओरिएंटलिज्म की बात करें तो इंडियन कल्चर के हम समझ सकते हैं कुछ पॉजिटिव्स होंगे और कुछ नेगेटिव्स होंगे। तो क्या करते थे, जो भी ओरिएंटलिस्ट लोग थे वो इंडिया के नेगेटिव्स को एग्जैजरेट कर देते थे और जो इंडिक लोग थे वो इंडिया के पॉजिटिव्स को एग्जैजरेट कर देते थे। मतलब दोनों लोगों ने बिल्कुल एक्सट्रीम में आके बात किया है, तो इसीलिए इन दोनों में से हम किसी को नहीं बोल सकते कि हाँ ये 100% सही है, क्योंकि दोनों के अंदर कमियां हैं। अब ये जो इंडोलॉजिकल राइटिंग्स है उसके बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे कि विलियम जोन्स, विल्किंस, कोल ब्रूक, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो यहां पर जीएस घुरे सबसे इंपॉर्टेंट है, बी के सरकार, राधा कमल मुखर्जी, के एम कपाड़िया, पी एच प्रभा और इरावती कर्वे। इरावती कर्वे भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी हम अपने इस सीरीज में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अलावा दूसरी तरफ अगर ओरिएंटलिस्ट की बात की जाए तो ये जैसा कि हमने बताया कि इंडियन सोसाइटी और कल्चर का ये अनसिम्पथेटिक और नेगेटिव अकाउंट पेश करते थे, तो इसीलिए इनके इस पेशकश से ये जरूरी उस टाइम के लोगों को समझ में आया कि भाई इस बेसिस पर हम ब्रिटिश एम्पायर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और कॉलोनियल पावर्स को इनके ऊपर थोप सकते हैं। तो इनके जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स थे इस स्कूल के वो थे मैक्स म्यूलर, ये आप फोटो में देख सकते हैं इनको, इसके अलावा जेम्स मिल, विलियम आर्कर, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, ये सब के सब जितने भी थिंकर्स को हम पेपर वन में भी पढ़ते हैं मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स को, तो इन्होंने भी इंडिया की बहुत सारी थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया है। तो इसके बेसिस पर भी इनको ओरिएंटलिस्ट आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। बात करें जीएस घुरे की थोड़ी सी, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तो थी वो, और साथ ही साथ इनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज थी संस्कृत लिटरेचर की, जिसके बेसिस पर ये बहुत सारे वेदास, शास्त्रास, एपिक्स और कालिदास के पोएट्री को पढ़ने के बाद इंडिया का जो एक ट्रू सोशियो कल्चरल लाइफ था पहले के जमाने में उसको पेश करने में ये सक्सेसफुल रहे हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी, अब इसको आप प्रॉब्लम या फिर इसको आप बेनिफिट दोनों तरीके से देख सकते हैं कि ये केवल और केवल पुराने स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड अपनी थ्योरीज को प्रपाउंड करते थे। मतलब कि जो भी चीजें गीता में लिखी गई हैं, महाभारत में लिखी गई हैं, वेदास के अंदर लिखी गई हैं, या फिर एपिक्स शास्त्रास, जहां पर भी ये सारी चीजें लिखी गई हैं, यहां से ही इन्होंने डिराइव करके अपने इंडियन कल्चर को प्रमोट करने की बात की है। तो लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में क्या था कि ये इंडोलॉजिकल अप्रोच के साथ आए नहीं थे, और ये जो सोर्स था ये ओरिएंटलिस्ट व्यू था। अब आपको ये बात बिल्कुल सही तरीके से पता होगी कि देखिए क्या होता है कि जब भी किसी सब्जेक्ट का ओरिजिनेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए सोशियोलॉजी भी इमर्जेंस उसका इंडिया में तो हुआ नहीं है, यूरोपियन सोसाइटी में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में भी कि वहीं से ये सोशियोलॉजी इमर्ज हुई है। इसके पीछे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और रेनेसा जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेनास थे। अब इसके बेसिस पर क्या हुआ कि यूरोपियन सोसाइटीज में ऑलरेडी सोशियोलॉजी था। अब जब भी इंडिया में इसकी बात कोई करने आएगा तो 1784 में आपको पता होगा कि एक बॉम्बे कॉलेज, सॉरी कलकत्ता कॉलेज बना था, ठीक है। तो वहां पर पहली बार ऐसा स्टार्ट हुआ था कि हम इंडिया के कल्चर को इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहेंगे। वहीं से इन्होंने शुरुआती तो ऐसी ही की जीएस घुरे ने भी कि हम ओरिएंटलिस्ट व्यू को हम देखेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि जो भी ओरिएंटलिस्ट व्यू है ये इंडिया के कल्चर को डाउनग्रेड करना चाह रहा है। तो शुरुआत में तो ये हर्बर्ट रिस्ले एक सोशियोलॉजिस्ट थे, इनके आइडिया के बेसिस पर इन्होंने कास्ट को डिफाइन करना चाहा। और हर्बर्ट रिस्ले का एक थ्योरी है जो कि आर्यन के इन्वेजन पे डिपेंडेंट है। अब ये डिस्क्राइब करते हैं कास्ट को किस बेसिस पर, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। रिस्ले क्या कहते थे इसको हम यहां पर पढ़ते हैं। तो रिस्ले ने डिफाइन किया कास्ट को कि एक फैमिली का कलेक्शन है। मतलब कास्ट क्या है, एक फैमिली का ऐसा कलेक्शन है जो कि एक मिथिकल एंसेस्टर से अपने डिसेंट को ट्रेस करता है। मिथिकल एंसेस्टर जो है वो कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई दैवीय शक्ति हो सकती है। मतलब कि हम अपने एक, मान लीजिए कोई भी एबीसी नाम का एक इंसान है, इससे हमने कहा कि हमारी जितनी भी पूर्वज है, जितने भी हमारे लोग हैं, वो सब इसी एबीसी इंसान के अंदर में पैदा हुए हैं। मतलब कि जितने भी लोग आज के टाइम पर पैदा हुए हैं, इन सबके बच्चे, फिर इन सबके बच्चे, फिर इन सबके बच्चे, अगर हम इन सबको ट्रेस करते हुए एक इंसान तक पहुंचे कि मेन हमारा ओरिजिनेटर कौन है, तो ये या तो इंसान हो सकता है या फिर कोई भी मिथिकल कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी डिवाइन कैरेक्टर हो सकता है, किसी भगवान से ट्रेस करते हैं। जैसे कि बहुत बार आपने सुना होगा इंडियन कल्चर में कि हम सूर्यवंशी हैं या फिर हम चंद्रवंशी हैं। तो क्या ये बिल्कुल प्रूफ थोड़ी ना है कि कोई चंद्रवंशी है, कोई सूर्यवंशी है? तो ये सब क्या है, ये एक तरीके का डिवाइन डिसेंट है जिसको लोग ट्रेस करते हुए आए हैं। राजपूत में आप देखेंगे कि हम असली राजपूत हैं, तो कोई और कुछ बोलता है, तो इस बेसिस पर ये क्या है। तो रिस्ले ने इसी बेसिस पर डिफाइन करना चाहा कि जो कास्ट है ये एक ऐसे फैमिलीज का कलेक्शन है जो कि अपना डिसेंट एक कॉमन मिथिकल एंसेस्टर, वो या तो ह्यूमन होगा या फिर वो एक डिवाइन कैरेक्टर होगा, उससे ट्रेस करते हैं और इसके बेसिस पर अपनी प्रोफेसी को मेंटेन करते हैं। मतलब कि जो भी उनके रूल्स, रेगुलेशंस, नियम कानून जितना भी वो अपने कास्ट के अंदर बनाते हैं, उन सब को इन सभी फैमिलीज के द्वारा अप्लाई किया जाता है। और साथ ही साथ ये एक सिंगल होमोजिनस कम्युनिटी के तौर पर भी सामने आते हैं। तो ये तो रिस्ले का बात था। इसी के बेसिस पर जीएस घुरे ने भी अपने इसी पर्सपेक्टिव से कास्ट को डिफाइन करना चाहा। घुरे ने कहा कि देखो कास्ट जो है ये बेसिकली तीन बेसिस पर हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले या तो ये कंपेरेटिव है, ये फिर हिस्टोरिकल है, और प्लस इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी है। कंपेरेटिव इसलिए है क्योंकि अलग अलग कंपार्टमेंट्स में कास्ट डिवाइड है और हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में इस पूरे कास्ट को हम पढ़ सकते हैं। दूसरा हिस्टोरिकल है क्योंकि इन्होंने देखा कि लगभग 3000 साल पहले भी बहुत सारे कास्ट थे, वो ऑलरेडी हमारे सीन में थे, ऋग्वेदा में या फिर लेटर वैदिक पीरियड में भी बहुत सारे कास्ट ऑलरेडी प्रेजेंट थे। इंडोलॉजिकल इसलिए है क्योंकि ये जो कास्ट सिस्टम है ये इंडिया में स्पेसिफिकली बिल्कुल अलग ही इसका मोटिव है, इसका अलग ही प्रावधान है पूरा। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो भी कास्ट और किनशिप है, किनशिप मतलब रिश्तेदारी, नातेदारी, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो कास्ट और किनशिप दोनों आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं या फिर इनका इंटीग्रेटिव रोल है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यहीं पर इन्होंने कास्ट और रेस को डिफाइन करना चाहा। अब चूंकि घूरे ने इस बात पे एम्फसाइज किया कि जो भी कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक है इसका ओरिजिन हमारा एंशियंट टेक्स्ट का ही बेसिस है। मतलब कि जो भी हम आज की सोसाइटी में कास्ट सिस्टम देख रहे हैं जिसमें हमने चार वर्णा या चतुर्वर्णा को पढ़ने की कोशिश की, ये हमारा एंशियंट टेक्स्ट से ही बिलोंग करता है। तो इसीलिए अपनी ये जो बुक थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, यहां पर सर हर्बर्ट रिस्ले की इस थ्योरी को उन्होंने बताया। इन्होंने आर्यन इन्वेजन की बात की थी ना, तो हमने रेस के बेसिस पर देखा कि जो भी ब्राह्मण्स थे वो गोरे रंग के होते हैं। आज की सोसाइटी में भी आप देखते होंगे जितने भी ब्राह्मण्स हैं वो नियरली नॉर्थ इंडिया में तो उनका कलर जो है बहुत साफ होता है। तो इसका बेसिस भी आप यहीं इनकी थ्योरी से भी रिलेट कर सकते हैं, हर्बर्ट रिस्ले की। और इसी को इन्होंने शुरुआती दौर पे जीएस घुरे ने भी अडॉप्ट किया कि जो रेस है उसी से कहीं ना कहीं ये कास्ट ओरिजिनेट हो गया है। मतलब अगर रेस ना होता, ये वर्ण ना होता, तो ये कास्ट ना होता, और इसका बेसिस
रिसले थे, लेकिन बाद में इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उन्होंने इसको चतुर्वर्ण सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई करके देखा और फिर अपनी थ्योरी को इसके बेसिस पर डिफाइन करने लगे वो। कास्ट के लिए और भी लोगों के क्या दूसरे ओपिनियंस थे, हालांकि इसको हम लोग और भी दूसरे लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि एम एन श्रीनिवास ने क्या कहा ना कहना चाहा। इनके अलावा और भी जो थिंकर्स थे कूले हैं, इन लोग का डिटेल में क्या इन्होंने कहा है, लेकिन एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैकलेवर और पेज के अलावा इनका कहना था कि ये जो स्टेटस है ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है हमारे इंडियन कल्चर में। इसके चलते क्या होता है कि जो भी हम कास्ट की बात कर रहे हैं, अगर कोई क्लास है, जैसे कि हम क्लास मतलब क्या, कोई भी हायरार्की की बात कर रहे हैं, कोई भी एक वर्क है जिसके बेसिस पर हम कास्ट को डिफाइन करना चाहते हैं, अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए तो यही कास्ट बन जाए। मतलब कि अगर हम बोलते हैं ये हायर क्लास है ये लोअर क्लास है, तो इस क्लास को अगर हम रिजिट कर दें और इसमें इंटरमिंगलिंग ना हो पाए, या फिर कोई भी हायर क्लास से लोअर क्लास में ना जा पाए और लोअर क्लास से हायर क्लास में ना जा पाए, तो इसके बेसिस पे अगर ये एक्सट्रीम लेवल पहुंच गया तो यही कास्ट होता है, ऐसा मैकलेवर और पेज का कहना था। कूले का कहना भी कुछ कुछ ऐसा ही था कि ये स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी नेचर का होता है कि जिस कास्ट में आप पैदा हो गए उसी कास्ट में आप बन गए, या फिर ये कि जिस क्लास में आप पैदा हो गए आप उसी क्लास में रह गए और चूंकि अब अपने क्लास को आप चेंज नहीं कर सकते हो इसीलिए ये आपका रिजिड कास्ट बन गया। बेले के हिसाब से कहना था कि जो भी कास्ट ग्रुप है वो दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, एक तो सेग्रीगेशन और हायरार्की। सेग्रीगेशन इस प्रेस्पेक्ट में कि हर एक कास्ट दूसरे कास्ट से डिफरेंट है और इनके बीच में हायरार्की भी है कि कोई एक ऊपर का कास्ट है और कोई एक नीचे का कास्ट है। ड्यूमोंट के हिसाब से जो भी कास्ट है वो इनइक्वालिटी का एक स्पेशल फॉर्म है जो कि हायरार्कीज को डिफाइन करता है। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं जिनका कहना लगभग लगभग एक ही है। लेकिन अगर घूरे की बात करें, जिसके बेसिस पर हम आज ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इनका बेसिकली छह फीचर्स ऐसे थे जो कि घूरे ने डिपिक्ट किया। सबसे पहला फीचर उन्होंने बताया कि ये जो सेगमेंटल डिवीजन होता है इस कास्ट सिस्टम में, मतलब क्या है सेगमेंटल डिवीजन, क्या है कि आप एक ऐसा डब्बा बनाओ और इस डब्बे में आप मैट्रिक्स डिफाइन कर दो। अब ये जो एक ब्लॉक है ये एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेगमेंट इस तरीके से डिफाइन होगा कि आप किस सेगमेंट में पैदा होते हो। मान लो आप इस सेगमेंट में पैदा हो गए तो आप इस सेगमेंट के ही डिपेंडेंट हो जाओगे, आप जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं रूल्स रेगुलेशन सब इसी सेगमेंट के द्वारा डिफाइन होंगे। मतलब कि बेस्ड ऑन बर्थ हम ऐसे सेगमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे ही चला आ रहा है कि इस सेगमेंट में जितने लोग पैदा होंगे वो केवल और केवल इसी सेगमेंट से ही बिलोंगिंग अपनी रख पाएंगे, वो दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। ऐसा कहना था सेगमेंटल डिवीजन का। मतलब क्या है, यहां पर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन है, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हमने इनको डिफाइन कर दिया, इनको अलग अलग कन्फाइन कर दिया। इसके अलावा हायरार्किकल डिवीजन है, ये बेसिकली लेबर के बेसिस पर ये डिवीजन को हम देख सकते हैं। मतलब क्या है कि देर आर सर्टेन प्योरिटी एंड पोल्यूशन, मतलब कि हम कुछ ऐसे कास्ट हैं जिनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं या फिर उनको प्रायोरिटी देते हैं, और प्रिफरेंसेस के बेसिस पर सोसाइटी ने अलग अलग प्रिफरेंसेस दे दिया कि अगर कोई टीचर है, अगर कोई पढ़ाने का काम करता है या फिर पूजा पाठ का काम करता है, कोई पुजारी है, कोई साधु है, तो ये हमेशा सोसाइटी का ऊपर दर्जा ही या फिर ऊपरी वाला दर्जा ही पाएगा, और जो मीनियल वर्क कर रहा है ये मीनियल वर्क करने वाला इंसान हमेशा नीचे का दर्जा पाएगा। ऐसा हायरार्किकल डिवीजन हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम से बिलोंग करता है। जो दूसरी बात इन्होंने की, गवर्न बाय द आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, मतलब कि क्या है कि कुछ ऐसी बात होगी जहां पर लोगों को प्योरिटी समझ में आएगी और जहां पर कुछ लोग पॉल्यूट होंगे, मतलब कि कास्ट के बेसिस पर ही कुछ ऐसी कास्ट होगी जो कि प्योर है, जिनके बेसिस पर हम जैसे कि ब्राह्मिन्स की बात कर सकते हैं, ब्राह्मिन से थोड़े कम प्योर होंगे क्षत्रिय, इनसे थोड़े कम प्योर होंगे वैश्या, इस तरीके से ये हायरार्की पूरी चलती रहेगी। तो यहां पर प्योरिटी और पोल्यूशन के बेसिस पर एक नया नोशन निकल के आता है जिसको हम लोग सेंस ऑफ टच के बेसिस पर बता सकते हैं, या फिर जो हम आज के सोसाइटी में अनटचेबिलिटी का प्रोविजन देखते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में प्रोहिबिटेड किया गया है। कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी को प्रीच और प्रमोट नहीं कर सकता है इसके बेसिस पर। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि हम किसी भी काम को पोल्यूट या डिफाइल घोषित कर देते थे, और ये हायर कास्ट में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसे काम को करता, उसके लिए लोअर कास्ट के लोगों को बनाया जाता था, इनको बेसिकली इम्प्योर कास्ट कहा जाता था और ये शहरों के बाहर आउटस्कर्ट्स में रहते थे। इनको कोई हक नहीं था कि ये एक मंदिर में प्रवेश कर पाएं या फिर जो एक पब्लिक वेल है वहां से पानी निकाल पाएं। इसके अलावा प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का एक और कॉन्सेप्ट था जो कि नॉर्थ इंडियन ब्राह्मिन्स में देखने को मिलता है, जिसमें हम फूड के बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि कौन अपर कास्ट है कौन लोअर कास्ट है। मतलब क्या हुआ, इस नोशन के अंदर हम दो चीजें डिफाइन करते हैं कि हम किससे खाना, बना हुआ खाना या कच्चा हुआ कच्चा खाना जो खाने योग्य है उसको हम ले सकते हैं और क्या क्या खाना ले सकते हैं। तो इसका जो पूरा का पूरा फिलॉसफी है वो इसके बेसिस पर है कि जो भी कच्चा फूड होता है इस कच्चे फूड को हम कैसे पकाते हैं, हम पानी की मदद से पकाते होंगे, तो पानी तो किसने छुया होगा, अगर ये किसी लोअर कास्ट ने छुया हुआ है
तो इससे कच्चा फूड हम नहीं लेंगे, जो भी ब्राह्मण्स होंगे वो कच्चा फूड यहां से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये पक्का फूड है, पक्का फूड मतलब क्या, इसको किसमें बनाया गया होगा, घी में बनाया गया होगा, अब घी जो है इसको शुद्ध माना जाता है, तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक्सेप्टेबल होगा। मतलब कच्चा फूड और पक्का फूड भी किससे लेना है, किन कास्ट से लेना है, ये भी डिफाइन कर दिया गया था कि कौन प्योर कास्ट है और कौन पोल्यूटेड कास्ट है। इनके अलावा जो चौथा प्रॉपर्टी बताते हैं जीएस गुरे, वो बताते हैं सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस। मतलब इसी कास्ट के साथ साथ देर आर सर्टेन प्रिविलेजेस अटैच्ड जिसका फायदा अपर कास्ट के लोग उठाते हैं, और देर आर सर्टेन डिसेबिलिटीज जिसका लोअर कास्ट के ऊपर बहुत बड़ा घाटा होता है। मतलब कि देर आर सर्टेन डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज जिसके बेसिस पर हम कास्ट को डिफाइन कर रहे हैं, उनके प्रिविलेजेस और डिसेबिलिटीज को। जैसे कि हम ये समझते हैं कि जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाला ये पूरा जो रोल है, ये इस पर भी बेस्ड है कि केवल और केवल ऐसा नहीं कि आप अगर पोल्यूटेड हैं तो आप इनको छू नहीं सकते या अनटचेबिलिटी वाली बात हो, ये शैडो तक भी पहुंच गए थे कि अगर परछाई भी, अगर छोटे कास्ट के लोगों की परछाई भी अगर हायर कास्ट के लोगों तक पड़ गई तो बड़ा वाला कास्ट जो है ये पोल्यूट हो गया, और सबसे पहले ये या तो गंगा स्नान करता था या फिर ये घर पर जाके नहाता था, फिर जाके ये वापस से प्योर फॉर्म में आता था। तो ये सब बहुत बड़े डिसेबिलिटीज और प्रिविलेजेस इन कुछ कास्ट को मिले हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इनके हिसाब से, कास्ट एंडोगेमी एंड गोत्रा एक्सोगेमी। इसका क्या मतलब है? कास्ट एंडोगेमी का मतलब है कि देर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। एंडोगेमी और एक्सोगेमी को मैं डिफाइन करता हूं। एंडोगेमी का मतलब होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही शादी कर सकते हैं, और एक्सोगेमी होता है कि उस ग्रुप के अंदर देर आर सर्टेन सेक्शन जिस सेक्शन में आप शादी तो नहीं ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सोगेमी। अब जैसे कि गोत्र है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, गोत्र सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एक्सोगेमी का। आपको ये पता होगा ना कि गोत्र जो होता है आप अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गोत्र है वो एक कॉमन एंसेस्टर से ट्रेस होता है। ठीक, मतलब अगर आपका गोत्र कुछ एबीसी है और सामने वाले का भी गोत्र एबीसी है, तो आप समझते हो कि ये हम लोग एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, तो हम बेसिकली भाई बहन होंगे। ठीक है, अगर कॉमन जनरेशन में है तो हम भाई बहन ही होंगे, और इसकी वजह से हम शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक्सोगेमी हो गया। इंडोगेमी मतलब कि आपको अपने गांव के अंदर शादी करनी है, अपने कास्ट के अंदर ही शादी करनी है, और कास्ट के अंदर भी कुछ सब कास्ट होते हैं, उस सब कास्ट के अंदर ही शादी करनी है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि जैसे आप कोई भी कास्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप बनिया ले लीजिए, बनिया में बहुत सारे सब कास्ट होंगे, कोई अग्रवाल होगा, कोई गुप्ता होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि बर्नवाल केवल और केवल बर्नवाल शादी करेंगे, गुप्ता जो है वो केवल गुप्ता शादी करेंगे। हालांकि अब ये जो डिस्टिंक्शन हैं ये धीरे धीरे ब्लर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर पे यही देखा जाता था कि इनके अंदर भी इंडोगेमी को ही प्रीच किया जाता था, मतलब ये केवल और केवल अपने सब कास्ट में ही शादी करेंगे। ठीक, तो ये पूरा बात है इंडोगेमी का, और एक्सोगेमी की भी हमने बात कर ली। तो गोरे के हिसाब से इन्हीं सब क्वालिटीज को हमारा कास्ट सिस्टम इंडियन कल्चर में डिफाइन करता है, और ये बोलते हैं कि ये इंडोगेमी अपने सब कास्ट में भी देखने देखते हैं, या फिर यहां पर भी ये लोग प्रीच करते हैं। इसके अलावा कास्ट जो है वो किनशिप से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। मतलब कि किनशिप मतलब क्या, कि कोई भी एक क्लैन है उससे चला आ रहा है, मतलब कि गोत्र से रिलेटेड हम अपने पूरे कास्ट को ट्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी गोत्र है, हमने बताया कि ये किसी न किसी ऐसे पर्सन से बिलोंगिंग रखता है जो कि हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म में होगा। जैसे कि हर्बर्ट रिस्ले ने भी बताया था कि ये हो सकता है कोई डिवाइन पर्सनल हो, या फिर कोई एक मिथिकल कैरेक्टर हो जिसके वजह से हम अपने इस पूरे गोत्र को ट्रेस करते आ रहे हैं। तो यहां पर अगर इनके बीच में शादी होती तो यहां पर इनसेंस्टुअस रिलेशनशिप बनेगा। यहां पर मतलब ये होता है एक तरीके का, सेम फैमिली में अगर हम लोग शादी करते हैं तो इसको हम लोग इलीगल सेक्स बोल देंगे, तो इसके चलते भी ये इनसेंस्टुअस रिलेशनशिप बन जाएगा। कुछ क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, एक और पॉइंट है जो छूट जाता है इनका, छठवें पे गुरे कहते हैं कि ये बेसिकली ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी रेस्ट्रिक्शंस देते हैं जो कि कास्ट सिस्टम में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि कास्ट के बेसिस पर हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशन आपको करना सही है। मतलब कि अगर हम इंडिया कल्चर की बात करें और एक कॉमन तरीके से बोलें, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बढ़ई है, मतलब कि कारपेंटर है, तो उसका बेटा भी कारपेंटर ही होगा। ठीक है, कोई अगर नाई है, मतलब कि बार्बर है, तो इसका बेटा भी बार्बर ही होगा। मतलब ये प्री डिफाइंड है कि आप किस फैमिली में पैदा होते हो, जिस फैमिली में भी आप पैदा होगे आपका ऑक्यूपेशन वहीं से डिफाइन हो जाएगा। तो ये भी एक स्पेक्युलर फीचर है इंडियन कास्ट सिस्टम का। ठीक, तो ये भी घोरे इस बात पे भी एम्फसाइज करते थे। अब इसके बाद कुछ क्रिटिक्स की बात करते हैं। ये कुछ कॉमन क्रिटिक्स हैं और इनके बाद हम कुछ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे। जैसे कि क्रिटिक्स में कॉमन क्या है कि हमने देखा कि ये टेक्स्चुअल व्यूज पे बहुत ज्यादा अपने थ्योरीज को बिलोंग करते थे, जैसे कि वैदिक टेक्स्ट है या फिर हिंदू
का जो भी टेक्स्ट था उसके द्वारा ये ओवर इन्फ्लुएंस है, जैसे कि हमने ददीची का एग्जाम्पल दिया। इनके अलावा इन्होंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि लोग बोलते थे कि भाई ये जो अनटचेबल्स होते हैं ये तो किसी बाहर से आए हुए हैं और अनटचेबल्स हमारे इंडिया में ये चतुर्वर्ण सिस्टम के अंदर में नहीं आता है, लेकिन ये जीएस गुरु बोलते थे कि ये जो अनटचेबल्स हैं मतलब कि ये जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं इनको पहले तो ये एसटी कैटेगरी के मानते थे और ये बोलते थे कि ये हिंदू का ही पार्ट है जो कि आगे चल के अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं पुराने समय से ही जो कि चले आ रहे हैं और ये अनटचेबिलिटी वाला कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कल्चर में रहा नहीं है। राम ने भी सबरी से जूठे बेर खाए थे ना, मतलब ये कि ये अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को ऐसे ही हिंदू फिलोसफी हिंदू माइथोलॉजी वाले टेक्स्ट पे बेस्ड रखते थे। साथ ही साथ इनका एक क्रिटिक्स होता है कि ये ट्राइब्स को बैकवर्ड हिंदूज बोलते थे, जो कि मैंने अभी डिफाइन किया आपको। साथ ही साथ ये जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे पूरे सोसाइटी में कि ये कुछ इस्लामिक कल्चर का इन्फ्यूजन हमारे कल्चर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स इतने सालों तक हमारे ऊपर राज करके गए हैं तो आज के टाइम पर हम इनके भी कुछ कल्चर को अपने इंडियन कल्चर में पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब बाहर से कोई भी लोग अपने डिस्टिंक्ट कल्चर को लेके आते हैं और वो इंडिया में इंटरमिंगल होते हैं तो देर आर सर्टेन कल्चर्स रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशंस जो कि इस्लामिक कल्चर का होगा, कुछ पिक्यूलियर ब्रिटिश कल्चर का होगा जिसको हम आज के टाइम पर फॉलो करते हैं, और जाहिर सी बात है कि इंडियन हिंदू कल्चर को इन लोगों ने भी अडॉप्ट किया होगा। ठीक है, तो इंटरमिंगलिंग होना स्वाभाविक है और जिसकी बेसिस पर इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये प्योरली हिंदू बेसिस पर ही बात करते हैं और ये इंडियन कल्चर को ओवर ग्लोरीफाई कर देते हैं या फिर इसके ग्लोरिफिकेशन को इसके कल्चर को एग्जैजरेट कर देते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। कुछ थिंकर के पर्सपेक्टिव से बात करें जैसे कि ए आर देसाई है जो कि हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, ए आर देसाई को भी हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे इनका कास्ट के बेसिस पर क्या कहना है। इन्होंने कहा कि भाई देखो जो भी है ये चार दीवारी में बैठ के अंदर ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कल्चर के कौन से लेंस से इंडिया को स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम बाहर निकल के देखते हैं तो रियल इंडिया का जो एक नोशन है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर इनइक्वालिटी है, डाइवर्सिटी है, डायलेक्टिक्स है, एक्सप्लॉयटेशंस है, जिसको जीएस घूरे ने कहीं पर भी अपने राइटिंग्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। साथ ही साथ घूरे को इंडिया को रोमांटिसाइज करने के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है, जो नहीं भी है आज के सोसाइटी में फिर भी उस चीज को वो जबरदस्ती लिख के बताते हैं कि नहीं नहीं पहले ऐसा था, अब आज भले ही ना हो लेकिन पहले ऐसा था और आज भी ऐसा ही आगे चलेगा। तो ये जो एक जबरदस्ती वाली बात है ना, इससे इंडिया को ये रोमांटिसाइज करते हैं, इसके जो भी थॉट्स फिलोसफीज हैं कल्चर्स हैं उनको ड्रामेटाइज करते हैं, ओवर एम्फसाइज करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं। तो जो भी गोल पोस्ट है इनका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है और ये टेक्स्ट व्यू में ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं, मतलब कि बुकिश व्यू इनका ज्यादा है, फील्ड अप्रोच बाहर निकल के लोगों से पूछ पूछ के कुछ भी थ्योरीज इन्होंने डिफाइन नहीं की है। तो एम एन श्रीनिवास की बात करें तो इनका क्या कहना है कि यही बात है कि ये टेक्स्ट व्यू पे है और ये फील्ड व्यू पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। लुई डिमोंड का ये कहना था और इनके अलावा और भी बहुत लोग बिलीव करते थे कि जो कास्ट का पूरा सिस्टम है ये कल्चरल पर्टिकुलरिस्टिक फेनोमेना है, मतलब कि केवल और केवल इंडियन बेसिस पर ही इसको देखने को मिलता है, मतलब कास्ट और कहीं नहीं है। लेकिन जीएस गुरु इसके जस्ट ऑपोजिट बात करते थे कि जो कास्ट का सिस्टम है ये कल्चरल यूनिवर्सलिस्टिक फिनोमिना है। इनका कहना था कि भाई कास्ट ना हो कि किसी न किसी फॉर्म में अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन हायरार्कीज हमको देखने को मिलती है और उस कल्चर में वो वहां का कास्ट होता है। जैसे कि अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में दो पार्ट्स अलग अलग सब सेक्ट हैं इन रिलीजन के, जैसे कि एक प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिसिज्म है, कैथोलिक्स हैं कोई प्रोटेस्टेंट्स हैं। अब इनके अलावा भी अंदर इनके बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, जैसे कि एंग्लिकन्स होते हैं या फिर कैल्विनिस्ट हैं। तो ये सब अलग अलग डेफिनेशन में हमको देखने को मिलता है, सॉरी कैल्विनिस्ट जो है वो प्रोटेस्टेंट का एक फॉर्म है। तो अलग अलग सब कास्ट ना बोल के हम सब रिलीजन और इन सब की बात कर सकते हैं। तो घूरे के हिसाब से ये सब कहीं ना कहीं कास्ट का ही एक फॉर्म है, ऐसा ये बोलते थे। साथ ही साथ आंद्रे बेते का ये कहना था कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स में कास्ट को डिफाइन करते थे। सबसे पहले इन्होंने ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव को देखा, फिर ये अपने आप को इंडोलॉजिकल कहने लगे, फिर बाद में ये डिफ्यूजनिस्ट बन गए। तो ये जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर टिके नहीं रहे, अपनी ही थ्योरीज में कमियां निकाल के ये आगे आगे शिफ्ट होते रहे, ये भी इनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म होता है। कंक्लूजन के तौर पर हम यही सब लिख सकते हैं कि घूरे का जो पर्सपेक्टिव है कास्ट सिस्टम के लिए वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को पेश करता है, जो कि हमारे पूरे सोसाइटी में एक डिफरेंट व्यू पेश करता है। साथ ही साथ अगर हम इन सोर्स की लेजिटिमेसी को भी डिफाइन कर दें कि भाई ये जो टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं तो हमारे इंडियन कल्चर का ही डेरिवेशन है, तो इसलिए जीएस घूरे को हम बिल्कुल से गलत तो नहीं बोल सकते, इनको इनकी थ्योरीज को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। हालांकि ये कहना कि ये पूरे के पूरे कास्ट सिस्टम में इतने वेरिएशंस हैं, इतने डाइवर्सिफिकेशंस हैं, उनको सिंगल पर्सपेक्टिव में समझना थोड़ा गलत है, जो कि घूरे के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उन्होंने केवल और केवल सिंगल हैंडेडली इसको समझने की कोशिश की थी। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ये कास्ट सिस्टम है जो कि और भी अलग अलग डायमेंशंस में इनको समझना जरूरी है। इनका जो एक इंक्वायरी का रेयर स्पिरिट था, जो कि बेसिकली
टेक्सुअल व्यूज पर डिपेंडेंट था, वो भी एक अलग से प्रेशियस गिफ्ट है हमारे इंडियन सोशियोलॉजी के लिए। शुरुआती दौर पर ऐसा और किसी ने नहीं किया था। इनके जो भी डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट थे, वो इनके जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं, वो अलग अलग डायमेंशंस में इन्होंने इसको वापस से प्रीच किया है, जैसे कि फैमिली, किनशिप स्ट्रक्चर, मैरिज, रिलीजन, सेक्ट। इनके अलावा जो भी सोशल डिफरेंशिएशन, स्ट्रेटिफिकेशन या सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, और इंडिया में क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैं, इन सब के बेसिस पर यही इन्हीं की थ्योरी को वापस से प्रोपाउंड किया गया है। तो ये पूरी की पूरी डिस्कशन हमने किया कि किस बेसिस पर हम घूरे के कास्ट सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखें, 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी बार कि राइट ए नोट ऑन जीएस घूरेस इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी। हालांकि हमने जीएस घूरे के आज केवल और केवल कास्ट सिस्टम का क्या इनका रोल रहा है, इसकी कैसी थ्योरी दी है, उसके बेसिस पर बात किया है, लेकिन थोड़ी बहुत बात हमने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी कर ली थी। तो ये पूरा का पूरा आंसर आप चाहो तो 10 मार्क्स में आप इसको अटेंड कर सकते हो आज ही, और चाहो तो जब ये पूरा कोर्स ज्वाइन करने के बाद जीएस घूरे का इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पर भी इन सबको हम पढ़ सकते हैं। इनके अलावा एक क्वेश्चन आया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में घूरे का जो ये बेसिकली फीचर्स हैं इनको हम बता सकते हैं, साथ ही साथ जो क्रिटिसिज्म का पार्ट था वो भी कहीं ना कहीं तो कास्ट का एक फीचर ही है, तो उसको भी हम फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम के अंदर में बता सकते हैं। इनके अलावा हम बहुत सारे कास्ट के फीचर्स को आज नहीं पढ़ पाए हैं, जैसे कि एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, इनके अलग अलग, इनके अलावा लुई डीमोंट, और भी बहुत सारे लोग हैं, एंद्रे बेते, इन लोग के भी पर्सपेक्टिव से हम कास्ट सिस्टम को अपने आने वाले इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो एक और ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको पता चलेगा जिसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। इसके बाद कुछ आज के बेसिस पर, आज के लेक्चर के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि डिस्कस द एट्रीब्यूट्स ऑफ कास्ट अकॉर्डिंग टू जीएस घूरे। ये 250 वर्ड में आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, एग्जांपल्स के साथ, एग्जांपल्स कोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपके आंसर्स को डिफरेंशिएट करेगा बाकी लोगों से। आप एग्जामिन द यूटिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ इंडोलॉजिकल सोर्स मटेरियल टू अंडरस्टैंड ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसके बेसिस पर भी आप थोड़े आंसर कर सकते हो। अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी हुई है, video.onlyas.in, लर्न सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विस एंड अदर पीसीएस एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें onlyisales@gmail.com पे बिल्कुल फ्रीली मेल कर सकते हो। जो भी सजेशंस होते हैं या फिर कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस हैं इस पूरे कोर्स से रिलेटेड, तो आप फ्रीली हमें इस मेल पर कॉन्टेक्ट करो। तो आज के लेक्चर में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर बिलीविंग इन अस। हैव अ नाइस डे।